साफ सुथरा ही गाते हैं, अच्छा ही गाते हैं। और बहुत सारा मेरे आता है मेरे को गाने के लिए, अश्लील सॉन्ग आते हैं, जाड़वा में जमाने कैसे समझी हो, पीछे 10 लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा, हाथ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हम अच्छा नहीं गा सकते हैं, फिर भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये गलत बात है। हर हवा का झोंका तूफान नहीं होता और हर पत्थर भगवान नहीं होता। मिलने के लिए तो हजारों दोस्त मिलते हैं दुनिया में, लेकिन हर दोस्त वफादार नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक मितवा और आप देख रहे हैं इंडिया वोकल न्यूज। और आज मेरे साथ भोजपुरी की उभरती हुई कलाकार, उभरती हुई गायिका, जो कि मैक्सिमम जितने भोजपुरी के स्टार हैं सबके साथ गा रही हैं और आप सबका प्यार दुलार मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। जी नमस्ते, प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है, सर आपको भी प्रणाम है। क्या नाम है मैडम आपका? खुशी कक्कर। खुशी कक्कड़, आपने नाम सुना ही होगा, अभी वायरल चल रही है पूरा, टुनटुन लाल यादव या अंकुश राजा या समर सिंह, जो भी भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी जी जितने भी चल रहे हैं, अगर हीटर ट्रेंडिंग में इनका गाना चल रहा है। का हाल बाटे? बहुत अच्छा। कौन जिला घर बा? देवरिया जिला, यूपी। अच्छा, यूपी। भोजपुरी आवेला ना बढ़िया से? जी बिल्कुल, हाँ आता है। कितना दिन से गा रही हैं आप? अभी हमको पटना में आए हुए 8-9 महीने हुआ होगा। नहीं, गाना कितना दिन से गा रहे हैं? गाना तो हम मतलब बचपन से ही शौक था गाने का, तो वैसे ही गाते रहते थे कहीं भी, लेकिन एल्बम हम मतलब हुआ 2 साल हो गया एल्बम गा रहे हैं, फिर छूट गया था क्योंकि गांव में ही गाते थे ना, एक स्टूडियो था तो वहीं से गाते थे, और फिर पटना में मतलब मेरे भैया है। मैंने एल्बम 2 साल से आप गा रही हैं? हाँ। देखिए, कहते हैं ना उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, अगर मेहनत आप करिएगा तो 6 महीना में वायरल हो जाइएगा। मात्र 2 साल से ये हमारी खुशी कक्कड़ जी गा रही हैं और 2 साल में पूरा भोजपुरी मार्केट में धमाल मचा के रखी है। सब हमारे दर्शकों का आशीर्वाद है और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। अभी किसके साथ गाना आया हुआ है जो अभी वायरल चल रहा है? अभी फिलहाल में मेरा अंकुश सर के साथ आया है, अंकुश राजा जी के साथ, और बहुत ही अच्छा गाना है, जाड़ा पे गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। कुछ थोड़ा सा गाकर सुनाइए अंकुश जी के साथ जो गाई है। जी बिल्कुल, हाँ पूरा मुझे याद नहीं है बट मैं गाती हूँ। हाँ कि जब जब बहरी बही शीतल हरी आ तब तब मन मोरा हरी हो ए रजऊ जाड़वा में जमाने कैसे समझी हो। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। को हमको ये जाड़ा स्पेशल गाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये गाना मुझे गवाए थे शुभम तिवारी सर, जो बहुत ही अच्छे भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कंपोजर हैं, और सर ने हमको मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकुश सर को भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरी वॉइस को पसंद किया। कौन से कंपनी से रिलीज हुआ? आदिशक्ति फिल्म से। बहुत बड़ी कंपनी से आपको ब्रेक? बहुत बड़ी कंपनी है। और टुनटुन यादव जी के साथ में शायद एक गाना आपका वायरल हो रहा है, पतरे पतरे। जी जी, वो गाना हम गाए थे बहुत पहले ही। ईरान स्टार, विवादित स्टार हैं टुनटुन लाल यादव, इस समय पूरा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जी जी जी, बहुत ही। कौन सा गाना था? पतरे पतरे था, तो सब लोग सुन रहे हैं पतरे पतरे, तो बहुत ही आ गया है। ऐसे ही था, पूरा याद नहीं बट पतरे पतरे है, सब पत्रे पत्रे सुन ही रहे हैं पूरा मार्केट में। इतना ना गाना आप लोग के ऊपर अभी मिल जा रहा है गाने के लिए, डेली डेली का डेली का डेली का रिकॉर्डिंग है, तो पता ही नहीं चलता है कितना आदमी गाना गा लिया है। ज़्यादातर याद नहीं रहता है क्योंकि डेली सॉन्ग आते रहता है, गाते रहते हैं ना इसके, बट टाइटल तो सबका याद है। अच्छा है खुशी कक्कड़ जी, आपने संगीत के बारे में कुछ नॉलेज लिया, कुछ सीखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम गाते हैं एल्बम भी, रियाज भी करते हैं और कुछ कुछ सीखते भी हैं, मेहनत बहुत करते हैं हम। और अभी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मेहनत बहुत करना है क्योंकि ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, जितना ही मेहनत करिएगा उतना ही डूबते जाइएगा इसमें। सीखिए आप सबसे, मैं कह रहा हूँ जो भोजपुरी के इतने कलाकार अभी जो जनरेशन जो नई पीढ़ी के लोग आते हैं कि चाहते हैं कि बिना सीखे ही आदमी स्टूडियो में चले गाना गाए, अगर हिट जाए तो इस लड़की से आप सीखिए, इस बच्ची से आप सीखिए कि कैसे मेहनत करके, और अभी इतना अच्छा गाती हैं, नाम भी हो गया है, तो अभी कह रही कि नहीं अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो ऐसे ऐसे सिंगरों से आपको सीख लेना चाहिए कि बिना सीखे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं नहीं, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। और ये लाइन तो ऐसा है कि जितना ही मेहनत करिए उतना ही कम है। जी
खुशी जी, अभी शादी वगैरह का कब विचार बना रही हैं आप? अभी शादी वादी का कोई वो नहीं है, बहुत टाइम है अभी। अभी तो स्ट्रगल करना है, काम करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, उसके बाद से देखा जाएगा शादी वादी के बारे में। अच्छा, भोजपुरी में आजकल बहुत जातिवाद चल रहा है, कोई हीरान है तो कोई बबुआन है तो कोई कुछ है कोई कुछ है, आप इस कौन से नज़रिए से देखते हैं इस भोजपुरी को? भोजपुरी एक परिवार है, सब लोग एक कलाकार हैं और सब लोग मतलब बाहर कहीं दूर से ही आके और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें जाति वाति कुछ नहीं होता, बस एक परिवार है और सब लोग कहीं ना कहीं से आके ही और नाम किए हैं, मेहनत करके ही नाम किए हैं, तो जातिवाद मायने नहीं रखता है इसमें। इसमें मायने रखता है कि इंसानियत, इंसान कैसा है, प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, बस। ऑन कैमरा आपसे मैं पूछना चाहूँगा, खुशी कक्कड़ का अगर कोई प्रोग्राम कराना चाहे तो कितना चार्ज करेंगे? नंबर है मेरा, मैंने फेसबुक पे अपना नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगी। ऑन कैमरा नहीं बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, नो, ऐसे नहीं बताया, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बताना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि कोई कम कोई बेसी, तो सब चलता है, मैनेज करके चलना, नहीं नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैनेज करके चलना पड़ता, करके चलना पड़ता है जी, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं ना होते हैं। और खुशी कक्कड़ किस तरह से गाना गाना पसंद करती हैं, अश्लील या दुर्थी या साफ सुथरा? नहीं, हम साफ सुथरा ही गाते हैं, अच्छा ही गाते हैं, और बहुत सारा मेरे आता है मेरे को गाने के लिए, अश्लील सॉन्ग आते हैं गाने के लिए, दुर्थी सॉन्ग भी आते हैं, लेकिन हम नहीं गाते, हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं कि आप इसको लाइन चेंज करके भेजिए तो गा देंगे, नहीं तो हम नहीं गा सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उनका गाना गलत है, लेकिन मेरी चॉइस वो नहीं है, मैं नहीं गाती हूँ, अपनी पसंद है। हाँ, मेरी पसंद है, मैं अच्छा गाती हूँ और अच्छा गाई भी हूँ, देख लीजिएगा। और गाय भी होंगे तो बहुत पहले, जब नई नॉलेज होगा तब, यहाँ पटना में आए हैं जब से, तब से मेरा एक भी ना अश्लील गाना आया है ना कोई दुर्थी। हाँ, दुर्थी वही सॉन्ग गाते हैं जिसका अच्छा मतलब निकल सके बताने पे। आप तो काफ़ी खूबसूरत भी हैं, अगर फिल्म में आपको ब्रेक मिले एज ए अभिनेत्री तो काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लाइफ में मौका बहुत ज़रूरी होता है और मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। चलिए, खुशी कक्कड़ जी हैं चुलबुली स्टार और इनका दिल जो पूरा पानी के जैसा पवित्र है, हमने खुलकर इनसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। हमारे तरफ से शुभकामना है नए साल में कि और आगे बढ़ें और नाम कमाएं, और हम इनसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे, जितना ही आगे बढ़ेंगी उतना ही हम लोग भी पीछे पीछे मीडिया वाले इनके घूमेंगे। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के आशीर्वाद से जो भी हो रहा है सब आशीर्वाद है, प्यार है, तभी कुछ कर पा रहे, क्योंकि अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम अकेले भले कितनों अच्छा गाएंगे, लेकिन मेरे पीछे 10 लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा, हाथ नहीं रहेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। नए जनरेशन के जो कलाकार आ रहे हैं, जो आपके जनरेशन के लोग जो सीखते नहीं हैं, आते हैं स्टूडियो में गाने, म्यूजिक किसी स्केल में बना रहता है और गाते हैं किसी स्केल में, आप फिर जा करके डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर को लिरिक्स को झूठा झूठा साबित कर देते हैं कि नहीं तो ऐसा ही म्यूजिक नहीं बनाया, उन लोग क्या कहिएगा? ये बहुत गलत बात है, ठीक है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई बिना सीखे, और इतना ही लहक है तो आप पहले सीखिए गाने के लिए, क्योंकि ऐसे पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, हम कमाए आप कमाए सब लोग मेहनत करते हैं तभी पैसा आता है। और ऐसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हम अच्छा नहीं गा सकते हैं, फिर भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये गलत बात है। शौक सबके दिल में होता है, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा ना, तो सब कोई मेहनत करे, सब लोग आगे बढ़े और अच्छा करे, बस यही कहेंगे। अच्छा, इस कलयुग में अभी जो दौर चल रहा है, कहते हैं कि जो भोजपुरी का अभी माहौल है, जैसे आप गाना गा रही हैं, तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, यहाँ तक नहीं होते। मेरी मम्मी बचपन से ही सपोर्ट, मेरे पापा बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं। और तो आपके मम्मी पापा संगीत से रिलेटिव हैं कि इधर मैंने दूसरी काम? नहीं नहीं नहीं, मेरे फैमिली में कोई संगीत से रिलेटेड ही नहीं है, हम ही आए हैं। मतलब मम्मी मेरी गाती हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाती है मेरी मम्मी भी, मम्मी से ही सीखे हैं गाना, लेकिन मम्मी इससे रिलेटेड नहीं है, एल्बम वगैरह नहीं, लेकिन मम्मी बहुत अच्छा गाती है, उन्हीं से सीखे हैं और सब लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए, पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने मम्मी से ही सीखा है। चलिए, खुशी कक्कड़ जी, आपके भविष्य के लिए शुभकामना है, नए साल में और आप धमाल करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नमस्ते।